अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेड नाइन से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर घबराने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह साजिश है, वो सभी वरिष्ठ नेताओं को घर बैठाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, आइए बताते हैं आपको। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया जी हमारे बीच मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी का एक अलग स्वरूप सामने आया था और उसी के बाद देखा गया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई। क्या यही कारण है कि 5 राज्यों में दिग्गजों को चुनाव लड़वा रही है भाजपा? सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी आगामी हार साफ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर अपने सीनियर लीडर्स को यहाँ लाई है, लेकिन उसके पीछे एक और बड़ी साजिश है। ये मोदी जी की साजिश है इन सब सीनियर लीडर्स को घर बिठाने की, क्योंकि ये सब के सब जो बड़े बड़े मठाधीश बनते हैं, ये सब के सब चुनाव हारेंगे और उसके बाद घर बिठाए जाएंगे। असलियत ये है सुप्रिया जी, पिछले चुनाव में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाने वाले, इंदौर के दिलों में बसने वाले विष्णु प्रसाद शुक्ला को गुंडा बोला गया था और चुनाव पूरा पलट गया था। इस बार हमने देखा कि मनोज परमार को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है, जिसके ऊपर 25 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, कैसे देखते हैं? ये सवाल तो आपको जिन्होंने उपाधि दी है उनसे पूछना पड़ेगा, ना हमारी पार्टी ने उपाधि दी है ना मैंने दी है, कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ से कैंडिडेट है उन्होंने दी है, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में साधु संत महामंडलेश्वरों की बड़ी आदर होता है, बड़ा सम्मान होता है, देख कर दिए जाती हैं उपाधियाँ। एक महिला के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मनोज परमार के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं और बोलती हैं कि जो ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, जो ठाकुर हैं, वो उसके घर के बर्तन धोते हैं। इस प्रकार से जातिगत रूप से चुनाव को तर्ज देना कैसे देखती हैं? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा के पास अपने काम को लेकर चुनाव में वोट मांगने की हैसियत नहीं है, उनका चेहरा नहीं है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। लगातार होते विरोध को कैसे देखती हैं? लगातार जो लोग मेहनत कर रहे थे, ये बात ठीक है कि महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह होती है, सबको टिकट दिया नहीं जा सकता, पर इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के पास क्या रीति? मुझे लगता है राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है और मुझे ऐसा भी लगता है कि हर सीट पर एक से ज्यादा आवेदक होते हैं, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, जिसको नहीं मिलता है वो क्षणिक भर के लिए दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, रुष्ट भी होता है, थोड़ा आक्रोश भी दिखाता है, लेकिन अंततोगत्वा हम एक परिवार के सदस्य हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मान मनोबल करके हम सरकार बनाएंगे। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में कुछ बहुत नहीं चल रहा है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? वो उतने लंबे समय से दोस्त हैं जितनी लंबी हमारी आपकी उम्र नहीं है, तो दो दोस्तों में हंसी मजाक को जब भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर फैलाने लगे तो समझ जाइए कि मुद्दा विहीन राजनीति और हार कितनी बड़ी होने वाली है उनकी। अच्छा, पहले भाजपा आरोप लगाती थी कि कांग्रेस का दूल्हा नहीं पता है, सीएम कैंडिडेट नहीं पता कि सीएम कौन होगा, ठीक वैसा ही भाजपा में हो गया है, पता नहीं है सीएम कौन बनेगा, बहुत सारे सीएम के चेहरे हो गए, इधर कमलनाथ है जो पहले से बता चुका है कि भैया ठीक है कमलनाथ ही सीएम है। दूल्हा नहीं, यहाँ बारात का नहीं पता है, उनकी बारात नहीं पता है, घोड़ी कौन चढ़ेगा वो तो बड़ी दूर की बात है, ना बाराती है ना घर आती है ना दूल्हा है, ये भाजपा की असलियत है। चलिए तो ये थी हमारी राष्ट्रीय ये थी हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी से विशेष चर्चा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।